अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम शाही मटर पनीर बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए 14-15 काजू रेसिपी को बनाने से 15 मिनट पहले भिगा देंगे। अब हम एक पैन में 2 कप पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और ये पानी जब उबलने लगेगा तब इसमें हम मटर उबालेंगे। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें हम 3 चम्मच देसी घी और 3 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। अब हमारा पानी बॉईल होने लगा है, इसमें हम 1 कटोरी मटर रखकर गैस को कम कर देंगे। मटर को ढक के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हमारा घी गरम हो गया है, इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप करके डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। जब हमारी प्याज हल्की सी गल जाएगी तब इसमें हम 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल के ढक देंगे, कम आंच पर पकाएंगे। अब हमारी मटर भी गल गई है और इसे निकाल कर ठंडे पानी में किसी बर्तन में डाल देंगे, इससे ग्रीन कलर बना रहता है। अब हमारा टमाटर प्याज भी पक गया है, इसे निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम मिक्सी जार में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे। प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे और जिस ऑयल में हमने प्याज टमाटर फ्राई किया था उसी में अब हम ग्रेवी बनाएंगे। पे इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 5-6 काली मिर्च डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे। सॉरी, कुछ मसाले डालते वक्त मेरी क्लिप मिस हो गई है। 4-5 मिनट मसाले को अच्छे से भूनेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इस स्टेज पे हम अपना प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से खूब भूनेंगे। मसाले खूब अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला खूब भुन जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी तवे पे ड्राई रोस्ट करके हाथ से मसल के डाल देंगे। इसको तवे पे रोस्ट करने से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब हम काजू का पेस्ट बनाकर डालेंगे। काजू को इसलिए लास्ट में डालना चाहिए कि तले में चिपकने लगता है और टे आती हैं। जब हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर इसलिए लास्ट में डालते हैं कि इसकी खुशबू ना उड़े। मसाला डालने के बाद इसमें हम 3 चम्मच के ऊपर की मलाई ले लेंगे और इसे खूब अच्छे से फेंट कर डाल देंगे। कभी कभी हमारे पास क्रीम अवेलेबल नहीं होती, नहीं तो क्रीम डाला जाता है। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा अब इस स्टेज पे हम पनीर डाल देंगे। पनीर को डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, नहीं तो रबर की तरह पनीर खिंचने लगता है। मिनट पनीर डालने के बाद अब इसमें हम मटर डाल देंगे। हमारी मटर उबली हुई है तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मटर नहीं डालेंगे तो ये शाही पनीर हो जाएगा। इसमें हम 1/2 कप दूध डाल देंगे। आप दूध की जगह 1/2 कप पानी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद मुस्तकिल चलाना पड़ता है, नहीं तो ग्रेवी फट जाती है। हम धनिया और बटर डाल देंगे।
अब नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।